तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ तो आज की जो कहानी है वह मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी हुई है जो घटना उनके साथ घटी थी बचपन में उस घटना को मैंने कहानी में रूपांतरित किया है तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए ये कहानी शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आर्यन है और यह जो घटना है ये हमारे साथ हुई थी जब हम नवी कक्षा में पढ़ा करते थे ये उस रोज की घटना है जब हम कुछ दोस्त खेलने चले गए थे दरअसल हम गांव के आसपास ही किसी खेत में या किसी स्कूल के ग्राउंड में जाकर कोई भी खेल खेल लेते थे लेकिन एक रोज कुछ लड़कों ने हमें बताया कि उन्होंने एक नई जगह खोज निकाली है जो कि खेलने के लिए बहुत अच्छी और शान भी है तो उसी के अगले रविवार हम साइकिल लेकर सारे दोस्त वहां खेलने चल गए थे अब सुबह सुबह हम 10 या 11 बजे वहां पहुंच गए थे लेकिन घंटे भर में ही हम सभी वहां बहुत ज्यादा थक गए थे एक तो वो जगह बहुत ही ज्यादा वीरान थी और खुली जगह होने से तेज धूप के कारण गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी हमारे पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था तेज धूप थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अब आगे क्या करें तो हम वही एक जगह पर एक पेड़ के नीचे छाव में बैठ गए अब हम में से एक लड़का था कुलदीप उसका कहना था कि ये जगह बहुत ही अजीब है लेकिन अजीब होने के साथ साथ वो जगह में कुतूहल भी पैदा कर रहे थे क्योंकि हमारे गांव के आसपास होते हुए भी हमें उसके बारे में इतना पता ही नहीं था कुछ दोस्त थे वो घर वापस जाने के बारे में बात कर रहे थे वो थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी बाकी सबका कहना था कि चलो इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं अब जो मना कर रहे थे वो भी धीरे धीरे अंदर जाने को राजी हो गए और फिर हम उस जगह में घूमने निकल पड़े वहां से आधे कुछ एक जंगल जैसा क्षेत्र था जो कि हराभा था और दिखने में अच्छा लग रहा था सोचा कि शायद हमें वहां कोई नदी या कोई जंगली फल वगैरह खाने को मिल जाएंगे और ऐसे कर हम और अंदर जाते चले गए काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हम एक और सुनसान जगह पर पहुंचे वो जगह भी बहुत ही खुली और सुनसान थी वहां पर पेड़ बहुत कम थे और जो भी थे वो बहुत ही छोटे थे वहीं पर आगे एक पुराना टूटा फूटा मकान भी था हमने देखा कि वहां मकान के यहां वहां काफी सारे पत्थर रखे थे छोटे बड़े आकार के इसलिए हमने साइकिल वहीं पीछे पेड़ों के पास छोड़ दी और चलकर ही यह वहां टहलने लगे पत्थरों का आकार एक समान था मतलब सभी गोल तो नहीं थे लेकिन एक ही आकार के थे तभी हम में से किसी ने कहा ये तो बहुत ही अजीब जगह है मतलब इतने सारे पत्थर यहां किसने रखे होंगे देखकर तो लगता है कि काफी साल हो गए हैं यहाँ कोई नहीं आया होगा पता नहीं कौन रहा होगा यहाँ तो हमें जो एक समझदार लड़का था कुलदीप जो कि हमसे थोड़ा बड़ा भी था उसने आसपास देखकर कहा मुझे तो यह कोई कब्रिस्तान लगता है चलो यहां से वापस चलते हैं अब हम सब में एक लड़का और था जो कि बहुत ही नालायक और शरारती था उसका नाम कपिल था और वो कुछ भी करता था जब हम उन पत्थरों के बारे में और उस जगह के बारे में बात कर रहे थे तब कपिल ने वहां के पत्थरों को उठाकर यहाँ वहां फेंकना शुरू कर दिया अगर कोई पत्थर उठाया नहीं जाता तो उस पर वो पैर रखता किसी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता अब हमने उसे रोकना चाहा, तब वो एक पत्थर के सामने बैठ गया और कहने लगा देखो अभी मैं भूत को जगाता हूं हम सब उसकी उस हरकत को देखकर हैरान रह गए थे पर वो कहाँ सुनने वाला था वो वही एक पत्थर के सामने बैठकर कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगा कि भूत जाग जा मुझे अपना रूप दिखा ऐसा कुछ अजीब सा अब उसकी ऐसी हरकतों के कारण हमने उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया और हम वहां से आगे चले गए अब हम सबके मन में उस टूटे पुराने मकान को देखने का कुतूहल था सभी तो नहीं थे जो कुछ डर रहे थे वो पीछे ही रुक गए थे हम कुछ तीन चार ही दोस्त थे जो कि मकान के पास चले गए वो बहुत ही छोटा और साधारण सा मकान था मतलब कोई ज्यादा बड़ा नहीं था पर काफी पुराना और टूटी फूटी हालत में था दीवारें काली पड़ी हुई थी छत पर जो लकड़ियां थी वो भी खोखी हो गई थी आधी छत टूटकर नीचे झुकी और अंदर की तरफ गिरी हुई थी और उस घर की दीवारों पर हर जगह से बेले उगी थी जिन्होंने उस घर को घेर रखा था जब हम उस मकान को देख रहे थे तब हम देखते देखते पीछे की ओर चले गए हम जैसे ही पीछे पहुंचे वहां जो कुछ हमने देखा वो देख हम और भी ज्यादा चौंक गए घर के पीछे दूर एक जगह एक छोटा सा पेड़ था उस पेड़ को साड़ी पहनाई हुई थी पेड़ के ऊपर किसी औरत के लंबे बाल रखे थे और उसी के आसपास वो सब सामान था जो कि एक औरत पहनती है कंगन झुमके सिंदूर वगैरह उस पेड़ को किसी औरत का आकार दिया गया था और शायद वही पर किसी की बलि भी दी गई थी क्योंकि वही जमीन पर सूखे पत्तों पर काला सूखा खून भी नजर आ रहा था वो सब देख हमें इतना तो समझ आ गया था कि ये सब कुछ हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं हाल ही के कुछ दिनों में किसी ने वहां आकर बली दी है तो हमें जो बड़ा था कुलदी। उसने कहा कि ये कोई करने का प्रकार लगता है अब हम थोड़ा घबरा गए और हम सबने एक दूसरे को देखा हमने इशारों इशारों में ही वहां से निकलने का निर्णय लिया हम बस पीछे मुड़े ही थे कि तभी वहां पर कपिला पहुंचा हमारे पीछे खड़े होकर कहने लगा अबे ये किसकी गर्लफ्रेंड है उसने ऐसा कहा और उसके साथ मजाक करने लगा वहां की मिट्टी उठाकर उन बालों पर डालने लगा हम सब उस पर चिल्लाने लगे तो उसने कहा अरे ये तो बिल्कुल संगीता जैसी दिखती है न और वो ऐसे ही मज़ाक करे जा रहा था और आख़िर में जैसे ही उसने उन बालों को छूने की कोशिश की एक बहुत ही भयानक सी आवाज़ हमने सुनी वो आसपास के पेड़ों से या फिर शायद उस घर से हमें सुनाई दी अब मैं आपको बता तो नहीं सकता कि वो आवाज़ असल में कैसी थी पर वो बहुत ही अजीब थी जैसे कोई दर्द और गुस्से दोनों में चीख रहा हो उस आवाज को सुनकर हम इतना घबरा गए कि हम वह से तेज चलते चलते भागने लगे कुछ थोड़ा आगे जाने पर हम थोड़ा धीमे हो गए और हमने पीछे देखा क्योंकि हमें महसूस हुआ कि कपिल हमारे साथ नहीं था हम सब ने तेजी से चलते हुए ही पीछे मुड़कर देखा तो कपिल वहीं घर के पास खड़ा था और उसके ठीक बगल में एक काली धुंधली सी पर चाय खा दी थी उसे उस पर चाय के बारे में पता था या नहीं हमें नहीं मालूम लेकिन वो उसकी तरफ ही इशारा कर रही थी हमने वही खड़े खड़े उसे अपने पास आने का इशारा किया लेकिन वो बस हमें देख हंस रहा था और बड़े आराम से चल रहा था अगले पल हमने देखा कि वो जो परछाई थी वो जमीन से उछलकर अचानक से छत पर चली गई उसके बाद फिर वो जमीनी पर आ गई और वो बार बार ऐसा कर रही थी बार बार उछल रही थी कभी छत पे कभी जमीन पर और वो देखकर तो हमारा दिमाग सुन्ना सा रह गया हम बाकी सब वो देखकर वहां से भाग खड़े हुए कपिल तो आराम से चलकर आ रहा था काफी दूर जाकर हम रुक गए करीबन दस से पंद्रह मिनट बाद कपली पीछे से आराम से चलते हुए हमारे पास आ गया हम सब ने उसे बहुत गालियां दी उससे बहुत डांट और फिर उसे साइकिल पर बिठाकर घर चले गए तब हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि अगर कपिल कुछ देर में वहां नहीं आता तो हम सीधे घर जाकर सब बताने वाले थे पर वो सही सलामत था उसे कुछ नहीं हुआ था घर पहुंचते पहुंचते हमारी हालत खराब हो चुकी थी अब दिन भर हम इस विषय पर बात कर रहे थे लेकिन हमने घर वालों को उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया फिर रात हो गई रात मैं मेरे दादी के कमरे में उसके पास ही सो रहा था कि अचानक बीच रात में किसी ने जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाया उस आवाज को सुनकर मेरी हालत ही खराब हो गई थी क्योंकि दिन भर जो मैंने देखा था उसका असर अब भी दिमाग पर था लेकिन दादी और माँ दोनों गुस्सा हो गए थे माँ ने गुस्से में ही दरवाजा खोला और देखा कि दरवाजे पर कपिल की मां आई हुई थी दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने मेरे बारे में पूछा उनकी वो आवाज़ सुनकर मैं खुद ही बाहर चला गया वो तो बहुत गुस्से में थी और गुस्से में ही मुझसे पूछने लगी कि तुम सब लोग कहाँ गए थे क्या करने गए थे मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है पर अगर मैं उन्हें सब कुछ बताता कि हम दिन भर में कहां गए थे तो शायद मुझे भी बहुत मार पड़ती इसलिए मैंने उनसे तब झूठ कहा कि हम वही स्कूल की ग्राउंड में हमेशा की तरह खेल रहे थे कपिल की मां ने थोड़ा घबराए हुई आवाज में ही मेरी मां से कहा कपिल एकदम से बीमार पड़ गया है उसकी हालत बहुत ही खराब है वो अभी कुछ देर पहले अचानक से जाग गया और चिल्लाने लगा कुछ पूछो तो बस रोता रहता है कहता है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है कभी घर के बाहर कभी खिड़की में तो कभी घर के किसी कोने में कभी कभी भी तो वो उसके पास बैठ जाता है और वो जो कुछ है वो उससे कहता है कि वो उसे लेने आया है और अपने साथ लेकर ही जाएगा वह कौन है ऐसा पूछा तो कहने लगा कि वह बहुत ही भयानक है बहुत कला है और उसकी आंखें बस मुझे घूर रही है कपिल की माँ के रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जाग गए गांव में रातों रात हल्ला हो गया कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई उनके घर के आसपास काफी लोग जमा हो गए थे और साथ ही साथ हम सारे दोस्तों की भी नींद उड़ गई थी हम सब दूर से ही कपिल को देख रहे थे वो बस पागलों की तरह यहां वेह भाग रहा था कभी कहीं बैठ जाता कभी उठता और फिर से भागने लगता कभी किसी के पीछे छुपकर कहता कि वो देखो वो वहां खड़ी है मुझे घूर रही है आखिरकार हम सब में जो बड़ा था कुलदीप उसने कपिल के घर वालों को बताया कि आज हम एक नई जगह खेलने गए थे जो कि पहाड़ों के पीछे है यहाँ से सात आठ किलोमीटर दूर और उसने यह भी बताया कि वहाँ कपिल ने क्या क्या किया और हमने वहाँ क्या क्या देखा वो सब सुनते ही उसके पिताजी ने तुरंत उसे गाड़ी में डाला और उसी वक्त उसे कह लेकर चले गए उस रात हम सबको बहुत मार पड़ी कपिल और उसके घरवाले दो तीन दिन तक घर नहीं आए थे पता नहीं वो कहाँ गए और वहां क्या हो रहा था ठीक पांच दिन बाद कपिल के घर वाले वापस आ गए जब वो आए तो उनके साथ कपिल भी था लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे चला तक नहीं जा रहा था शरीर का पानी जैसे सूख चुका था उसकी सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी आंखें बड़ी बड़ी डी और बाहर आई हुई थी सर के बाल उधरे हुए थे और उसके मुंह से बार बार लार टपक रही थी वो किसी पैरालाइज बीमार इंसान की तरह था और यह सब कुछ उसके साथ इन दो चार दिनों में हुआ था जब हम कुछ दोस्त उसे देखने उसके घर गए तो उसने सिर्फ़ एक नज़र उठाकर हमारी तरफ़ देखा और वो वैसा ही बेजान सा पड़ा रहा उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी उसकी हालत देख हमसे आगे कुछ भी बोला नहीं गया और हम चुपचाप वहां से चले गए उस घटना के कुछ छह सात महीने बाद कपिल की हालत ठीक तो हो गई थी लेकिन वो न पहले जैसे किसी से बात करता था और न ही हमारे साथ खेलने आता था उसके शरीर में हमेशा के लिए कुछ व्यंग पैदा हो गया था वो थोड़ा टेढ़ा चलता था और उसके दोनों पैर थोड़े अंदर की तरफ मुड़ गए थे जिससे वो ठीक से चल नहीं पाता था शायद उस दिन उसने मजाक मजाक में जो कुछ किया था उस चीज ने उसे हमेशा के लिए सबक सिखाया था तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी तो आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और बताने के लिए मुझे कमेंट जरूर करें और अगर आपको कहानी पसंद आती है आपको वीडियो पसंद आती है तो भर भर के लाइक जरूर करें और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में